इंडिया टीवी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुजरात के संग्राम में किसकी जीत होगी, हिमाचल का रण कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी गुजरात और हिमाचल में अपनी सरकार बनाएगी, क्या एक बार फिर से बीजेपी 27 साल जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने राज किया है, क्या अगले 5 साल फिर से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज होगी और या फिर हिमाचल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, ये सारी चीजों पर क्लैरिटी 8 दिसंबर को मिलेगी। लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी आपको बता रहा है, इंडिया टीवी मेट्राइज का वो एग्जिट पोल जिस एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात में बंपर जीत होती हुई दिखाई दे रही है। हमने अब तक आपको 4-5 हॉट सीट के बारे में जानकारी दी कि इन 5 हॉट सीट पर कौन आगे चल रहा है, किसके पक्ष में ये सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे गुजरात की सूरत की उस मजूरा सीट की जो एक बड़ी हॉट सीट है। बड़ी हॉट सीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी वहां से उम्मीदवार हैं। हर्ष सांघवी काफी एक्टिव है गुजरात की पॉलिटिक्स में, कई जगह पर हमने उनको देखा है, खासतौर पर मोरबी की जब घटना हुई तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने वाले वही थे, प्रधानमंत्री को पल पल की जानकारी देने वाले हर्ष सांघवी थे। एक बहुत ही युवा और बेहद ही सजे हुए नेता है, किस तरीके से उन्होंने गुजरात की राजनीति में खुद को काबिज किया है, किस तरीके से उन्होंने अपने चुनाव पूरे गुजरात में जिस तरीके से एक एक सीट का विश्लेषण उन्होंने भी खुद किया है, लेकिन अब वो अपनी सीट पर भी आगे होते हुए दिख रहे हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में हर्ष सांघवी आगे होते हुए दिख रहे हैं, हर्ष सांघवी इस सीट से जीत सकते हैं, इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब हमारे साथ हमारे 3 पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, निर्णय कपूर जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं, इसके अलावा दिलीप गोहिल जी वरिष्ठ पत्रकार है, देवेंद्र शुक्ला जी चुनावी विश्लेषक है। देवेंद्र जी, क्योंकि आप अभी जुड़े हैं, ये जो सीट है हर्ष सांघवी की, ये आसान सीट है, आराम से जीत रहे हैं, क्या उनका रुतबा इस तरीके का है कि उनके नाम पर सीट आ रही है या फिर बीजेपी के नाम पर वोट आ रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों ही चीज़ें हैं कि सूरत की जितनी भी सीटें हैं उसमें बीजेपी ट्रेडिशनली स्ट्रांग है, मतलब वो पारंपरिक रूप से बहुत बेहतर करती है। दूसरा ये है कि हर्ष सांघवी का कद जो है वो स्टेट बीजेपी में बहुत बड़ा है, संगठन के बहुत ही माहिर आदमी है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि उन्होंने न सिर्फ अपनी सीट बल्कि गुजरात में हर उस सीट पे दौरा भी किया, चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी, जहाँ पे बीजेपी को जरा भी कोई दिक्कत हो सकती थी। हर्ष की सांगठनिक पकड़ क्योंकि बहुत बेहतर है, इसलिए इस सीट पे उनकी जो लीड होगी वो गुजरात में जो घटा हुआ पोलिंग परसेंटेज है इसके बावजूद भी 2017 की जैसी उनकी लीड थी उसी तरीके से वो फिर से इस सीट पे अपनी लीड को बरकरार रखेंगे और बहुत आसानी से इस सीट को निकालेंगे। इस सीट पे कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हर सांघवी को कोई टक्कर जो है बहुत मजबूत तरीके से किसी भी पार्टी से मिल पाएगी, बिल्कुल कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन निर्णय जी, क्योंकि बिजनेसमैन काफी ज्यादा है इस एरिया में, सूरत में काफी बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन पर बीजेपी की पकड़ काफी ज्यादा रहती है, लेकिन उसी बिजनेसमैन को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी इस बार पूरी कोशिश की है, तो क्या उसका कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा इस सीट पर, क्या अंतर काफी ज्यादा रहेगा जीत का हर सांघवी की सीट से? निश्चित तौर पर ज्यादा रहेगा हर सांघवी की सीट पे अंतर जो है जीत का। हर सांघवी के लिए मुझे लगता है कि इस बार एक नया रिकॉर्ड भी बन सकता है, भले ही वोटिंग परसेंटेज वहां पे 2.5% के आसपास कम हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि जो कैंडिडेट उनके सामने थे वो बहुत ही इररिलेवेंट से लग रहे थे, और आप बिजनेसमैन के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा की हुई घोषणाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार तो काफी टफ इलेक्शन था। मुझे याद है प्रचार के दौरान कई जगह पे हर्ष का बहिष्कार हुआ था, उसके बावजूद वो 85,000 की लीड से जीते थे, क्योंकि जीएसटी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था, जीएसटी को लेकर के बीजेपी खुद अनिश्चित थी, लेकिन उसके बावजूद वहां के लोगों ने उनमें अपना विश्वास जो है वो प्रस्थापित किया, और इसी वजह से मुझे लगता है ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। मतलब इस सीट का ना बीजेपी के ओवरऑल टैली या उससे कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये एक ऐसी सीट है जिसको बीजेपी पहले से अपनी गिनती में रख के चल रही है। अब एक और मुस्लिम सीट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जमालपुर खाड़िया सीट की हम बात करेंगे, एक और हॉट सीट जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान खेड़ावाला आगे चल रहे हैं। इमरान खेड़ावाला जो वहां से पहले से ही विधायक है, मुस्लिम मतदाता काफी वहां पर ज्यादा है, लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए AIMIM के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी भी उतरे। अजदुद्दीन ओवैसी ने भी यहां पर जमकर प्रचार किया, यही ऐसी जगह जहां पर उनके आखिरी दिन प्रचार करने के दौरान आंसू
भी निकले थे, लेकिन वो आंसू निकलने का कोई प्रभाव वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ा या नहीं पड़ा, ये इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान खेड़ा वाला ये सीट आसानी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आगे चल रहे हैं इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में। निर्णय जी, जी निर्णय जी, ये क्योंकि आपने कहा कि वो मुस्लिम सीट नहीं थी, लेकिन ये तो मुस्लिम सीट है, अजहरुद्दीन ओवैसी भी आए, तो क्या मतदाताओं ने उनको पूरी तरह अगर कहें रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ वो आंसू भी घड़ियाली आंसू लगे क्या? हाँ, आपकी बात एकदम सही है। इनफैक्ट सबसे बड़ी मुस्लिम सीट जमालपुर सीट है पूरे गुजरात में। 213,000 वोटर्स में से 111,000 वोटर मुस्लिम है जमालपुर सीट में, करीब 60% मुस्लिम वोट्स हैं, इसीलिए ये सीट जो है ये बहुत मैटर करती है। और मैं आपको बता दूं, इस बार की जो फाइट है वो जमालपुर की फाइट मेरे ख्याल से लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति जमालपुर में पहले कभी नहीं बनी। एक बार बनी 2012 में, जब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे यही साबिर काबलीवाला लड़ रहे थे, जो आप MIM के कैंडिडेट हैं, और उस वक्त क्योंकि सीट का नेचर थोड़ा अलग था, परिस्थितियां अलग थी, इसलिए वो करीब 40,000 के आसपास वोट ले गए और बीजेपी ये सीट जीत गई। जमालपुर में जहां एक तरफ हम मुस्लिम वोट्स के डिवीजन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वहीं हमें एक चीज और भी देखने की जरूरत है, जो हिंदू वोट है 40%, उनका एक्चुअल में कंसोलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जमालपुर में, क्योंकि जमालपुर सीट जो है ना उसका भी डेमोग्राफिक एनालिसिस अगर आप करेंगे तो बहुत अलग है। खाड़िया वार्ड है जो कि प्योरली बीजेपी सपोर्टिव वार्ड है, लेकिन उसमें एक बहरामपुरा का एरिया भी आता है जहां दलित पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर्स हैं। इसलिए जमालपुर में क्या होता है कि जब आप मुस्लिम वोट के डिवीजन की हम पूरे चुनाव में चर्चा करते रहे, लेकिन किसी ने भी हिंदू वोट्स के कंसोलिडेशन की चर्चा नहीं करी। और यहाँ आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग एक बात निकल करके सामने आ रही है, जो वोटिंग परसेंटेज है जमालपुर का अगर आप देखें इस बार, तो जमालपुर का वोटिंग परसेंटेज जो है वो करीब करीब सिमिलर रहा है, प्रोबेबली अहमदाबाद की कुछ सीटों में से है जहां वोटिंग परसेंटेज में कोई अंतर नहीं आया है। और इसीलिए अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या भूषण भट्ट खाड़िया के वोट इंटैक्ट रख पाए, बहरामपुरा के वोट खींच पाए, और यहाँ जो डिवीजन हुआ है वो एक्चुअल में उस लेवल का हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। इमरान खेड़ा वाला एक बहुत स्ट्रांग लीडर है, उनकी पर्सनल कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, छिपा कम्युनिटी को बताया जा रहा है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट है जमालपुर में वो उसको इंटैक्ट रखने में कामयाब हुए हैं ऐसा माना जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी मुस्लिम वोट हैं, उनमें डिवीजन हुआ है या नहीं हुआ ये भी देखना पड़ेगा। तो मुस्लिम वोट का डिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है ये भी 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन अब बढ़ेंगे अगली सीट की ओर, अगली एक और हॉट सीट दानी लिमड़ा की ये सीट है, जहां से नरेश व्यास बीजेपी के उम्मीदवार आगे बढ़ते हुए दिखाई पीछे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है नरेश व्यास, ये पीछे चल रहे हैं। और ये पीछे चलने की क्या वजह है, ये वजह ये भी हो सकती है कि एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट वोट है, अनुसूचित जाति का वोट है, वो काफी वो भी है सुरक्षित, SC सुरक्षित ये सीट है, ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है लेकिन SC सुरक्षित ये सीट है, क्या वो फैक्टर भी बीजेपी के फेवर में काम नहीं कर रहा है? क्या जो दलित वोट है दिलीप जी, ये दलित वोट भी क्या बीजेपी के पास नहीं जा रहा है? देखो, यही सबसे सवाल इंटरेस्टिंग हो गया था, जैसे जमालपुर इंटरेस्टिंग हो गया, इसीलिए MIM ने यहाँ कौशिका लेडी है उनको वो दिए थे, वो दलित है, सीट ही रिजर्व है दलित के लिए, तो उनको ही देना होगा। तो क्या वो डेंट कर सकेगी कांग्रेस के SC? अब तक तो SC सभी वोटर से कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो जो जैसे वो बात है कि कौन अपने वोटर्स को लेके आए बूथ तक, किसने अपना कंसोलिडेट रखा, चेंज नहीं हुआ। MIM ने ये कोशिश की कि SC है तो हम कौशिका को दे दे के सीट, लेकिन मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है बाद में जो रिस्पांस मिला MIM को इतना प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। बापूनगर में उनका जो है वो बैठ गया, वो कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट कर दिया, बाकी कई जगह ये भी हमने देखा कि उनका बहिष्कार भी हुआ OIC का। तो वो एक जो पूरा नरेशन चल रहा है कि अगर OIC जहां भी जाते हैं बीजेपी को फायदा कराते, उस बहुत ज्यादा उसकी चर्चा हुई, तो उनको ये भी कहना पड़ा कि हमने तो अबड़ासा में या तो वाग्राम में कैंडिडेट नहीं रखे, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पॉलिटिक्स करे, बीजेपी को हेल्प ना करे। ये सभी ऐसी बातें हैं। और इसी अभी जमालपुर का बहुत अच्छी तरह से वर्णन निर्णय ने किया, इस बार कांग्रेस में इस तरह के हर सीट पे ऐसे ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, ये बहुत असमंजस भरी इलेक्शन होगी, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझना मुश्किल हो गया है। MI है कई जगह आम आदमी पार्टी है, इसी तरह यहाँ भी है। कांग्रेस के कैंडिडेट ने एक बार अच्छा प्रयोग किया कि अपना जो भी वोटर्स है उसको वो कंप्यूटर लगाया, थोड़ा सा न्यूज भी आया, सभी जगह उन्होंने कंप्यूटर लगाए, सबका नाम चेक किया, सब वोट करने के लिए जाए, तो कोशिश की पहले चरण में जो कम हुआ था वो कम से कम हमारे वोटर्स कम ना हो, इसके लिए भी उन्होंने कोशिश की।
वैसे इजी लग रही थी कांग्रेस के लिए, लेकिन टफ होने के बावजूद भी कांग्रेस निकल जाए ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल टफ सीट है। मैं बिल्कुल जी कर देता हूं कि जैसे दानिल बुड़ा की सीट है, अनुमानित जो लाइन पे ही हमें ट्रेंड मिल रहा है कि नरेश व्यास हार जाएंगे, और मैं आपको बताऊं अगर ये सीट बीजेपी जीत जाती है, मान लीजिए एक बार को अगर मान लें, तो मुझे लगता है बीजेपी फिर 150 सीटें जीतेगी जी, क्योंकि ये ऐसी सीट है जिसे बीजेपी तमाम इक्वेशंस के बावजूद भी जीतना मुश्किल है। 2002 में सिर्फ एक बार ये सीट जीते थे जब वो सांप्रदायिक दंगों की बैकड्रॉप में इलेक्शन हो रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे दिलीप भाई कांग्रेस के अलावा पारिवारिक रीजन भी है, मनु भाई परमार के समय से लगातार ये सीट जो है वो जीतती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।